हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। एकदम दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एकदम आप एक सीट पक्का करें तो लास्ट तक वीडियो देखिए दोस्तों, और आप इसमें कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि आप तैयार हैं कि नहीं, ठीक है, तैयार हैं कि नहीं एक सीट पक्का करने के लिए। वरना अगर तैयार नहीं है तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहिए, इसी तरह अपना समय गवाते रहिए, ठीक ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दीजिए, आगे कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं दोस्तों पहला नंबर कि ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव शीर्षक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, ऑप्शन है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के द्वारा, कि ऑप्शन नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का आंसर? तो पहले का आंसर दोस्तों ये रिपोर्ट कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था, मतलब जो गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या किसने किया था, चंदेल राजा जिम्मेदार था, ठीक है, कीर्तिवर्मन, यशोवर्मन, धंग, विद्याधर, की ऑप्शन नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, डी, ठीक ना, विद्याधर दोस्तों, विद्याधर ने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार नरेश के राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी, ठीक ना, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। अब विद्याधर किस वंश का राजा था, तो चंदेल राजा था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है कि मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था, अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीसरे का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, हुमायूं ने, ठीक ना। तो चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था मुगल काल में, चित्रकला कह रहे हैं दोस्तों, ये गलत, हुमायूं नहीं होगा दोस्तों, हुमायूं नहीं होगा, ये होगा जहांगीर, क्या होगा, जहांगीर होगा, ठीक ना। अगर ये पूछता दोस्तों स्थापत्य कला का तो हुमायूं हो जाता, एक बार और सुन लीजिए, स्थापत्य कला कहता तो हुमायूं होता, यहाँ पर चित्रकला का है तो चित्रकला का है तो जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चार नंबर देखते हैं दोस्तों कि वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि अघन्या किसको माना जाता है, बैल, भेड़, गाय, हाथी, के ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा चौथे का आंसर दोस्तों? चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, गाय को दोस्तों अघन्या कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों फाइव नंबर, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा फाइव का आंसर? फाइव का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में दोस्तों बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक ना। सिक्स नंबर देख लेते हैं दोस्तों, सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्तारित हुआ था, यानी कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1912 में, 1914 में, 1916 में, कि 1918 में। क्या हो जाएगा दोस्तों सिक्स का आंसर? तो सिक्स का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1916 में हुआ था, 1916 में, ठीक ना। सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेवन नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को लीग ने सिद्धि कार्यवाही दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों सिद्धि कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था। तो सिद्धि कार्यवाही दिवस कब से मनाया जा रहा है, मनाने का सुनिश्चित किया गया था, 14 अगस्त 1946, 12 अगस्त 1945, 14 अगस्त 1944, की 16 अगस्त 1946। क्या हो जाएगा सेवन का आंसर दोस्तों? सेवन का आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को दोस्तों सिद्धि कार्यवाही दिवस मनाने की मनाने के लिए सुनिश्चित किया गया था, ठीक ना। सेवन एट नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि दिल्ली के कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था किस सुल्तान ने, फिरोज शाह तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद गोरी ने, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा एट का आंसर दोस्तों? तो एट का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एट नंबर, नाइन नंबर देखते हैं, एट नंबर हो गया, निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, देख रहे हैं ना क्वेश्चन, अगर आप वाकई में एक सीटी पक्का करना चाहते हैं दोस्तों तो वाकई में ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने होंगे, ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड।
कुणाल संप्रति दशरथ इंद्र पालित की ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, नाइन का आंसर दोस्तों। तो नाइन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दशरथ। ठीक है, दशरथ। अगला देते हैं दस नंबर कि गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था, 1919 ईस्वी में, 319 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, 144 ईस्वी में, ये ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा टेन का आंसर, टेन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 1919 में दोस्तों गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 11 देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से नौ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, महत्वपूर्ण है, आर्मी से, मेहरगढ़ से, कौटदी से, कालीबंगा से, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 11 का आंसर, 11 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, मेहरगढ़ से दोस्तों प्राप्त हुआ है। ठीक ना, पूरा स्थल नौ पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के प्राप्त हुए साक्ष्य मेहरगढ़ से। ठीक ना, 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की, विष्णु की, ये ऑप्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 12 का आंसर दोस्तों, तो 12 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। 13 देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोधी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का आंसर, 13 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए दोस्तों कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं केवल आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ठीक ना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसे किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक ना, 14 देख लेते हैं दोस्तों। 14 नंबर है कि चंदेल साम्राज्य का जयजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है, तो जयजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है दोस्तों, चंदेल साम्राज्य का, जय शक्ति, विजय शक्ति, नन्नुक, हर्ष, की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 14 का आंसर दोस्तों, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, जय शक्ति, जय शक्ति से। ठीक ना, जय शक्ति से जयजाक भुक्ति नाम प्रचलित हुआ है। ठीक ना, 15 देख लेते हैं दोस्तों। 15 नंबर है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी, हैदर अली ने, मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने, टीपू सुल्तान ने, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने दोस्तों आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी, तो दूतावासों की स्थापना किसने की थी, टीपू सुल्तान ने। 16 देख लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर है कि 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, गेहूं की, जौ की, चावल की, मक्का की, क्या ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 16 का आंसर, 16 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, मक्का की खेती नहीं करते थे। ठीक ना, अगर ना क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण लाया हूँ दोस्तों। अगला देते हैं 17 नंबर कि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पुरंदर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था शिवाजी के साथ, जसवंत सिंह, जय सिंह, शाहिस्ता खां, दिलेर खां, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 17 का आंसर दोस्तों, तो 17 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, जय सिंह, जय सिंह के साथ दोस्तों 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था शिवाजी और जय सिंह के बीच। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप 17 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, श्यामजी किशोर वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, की ऑप्शन है। क्या हो जाएगा दोस्तों 18 का आंसर, तो 18 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर ने दोस्तों मित्र मेला की मित्र मेला संघ शुरू किया था। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखते हैं दोस्तों 19 नंबर के, निम्नलिखित में से किसी ने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, ऑप्शन है सी आर दास, एनी बेसेंट, बी सी पाल, मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा आंसर 19 का, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, सी आर दास, सी आर दास ने दोस्तों असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 देख लेते हैं दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सही
प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या करता है। तो आप वीडियो को रोककर दोस्तों थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए कि मैं बताऊंगा तो आपको कम समय लगेगा, क्योंकि ऑप्शन बड़ा है। क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का? तो 20 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, कि यह ऐसी स्थिति है जिसमें किसी कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं, ठीक ना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी उसी को कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या है, ठीक ना, याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों 21 एक निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है दोस्तों जे बी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, ठीक है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। 22 देख लेते हैं दोस्तों, 22 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ऑप्शन है दोस्तों अमरावती में, बेलगांव में, कराची में, नागपुर में, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 22 का आंसर दोस्तों? तो 22 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बेलगांव में दोस्तों महात्मा गांधी ने दोस्तों संबोधित किया था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र सम्मेलन में भाग लिया था। देखते हैं 23 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरुद्ध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल के विभाजन जो हुआ था दोस्तों, तो उसके विरोध में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था 1905 में? सूर्यनाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 23 का आंसर दोस्तों? तो 23 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूर्यनाथ बनर्जी ने दोस्तों शुरू किया था। अगला देखते हैं दोस्तों 24 नंबर, निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन बच गया था? अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लोहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, जयप्रकाश जय चंद्रशेखर आजाद, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 24 का आंसर? 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद दोस्तों फांसी से बच गए थे, ठीक है, 24 का डी सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, कि ऑप्शन नहीं। 25 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक ना। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी नहीं दोस्तों, बी से हो जाएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक ना। 26 देख लेते हैं दोस्तों, 26 नंबर है, निम्नलिखित युगमों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जौनपुर, अट्टाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल, गुलबर्गा में जामा मस्जिद, के ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 26 का आंसर दोस्तों? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है दोस्तों, अजमेर, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक ना। देखिए दोस्तों, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये है दिल्ली में है, अजमेर में नहीं है, ठीक ना। बाकी यहाँ से आपके तीन क्वेश्चन भी यहाँ से मिल जा रहे हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगते हैं दोस्तों 27 नंबर देखते हैं, 27 नंबर के द्वितीय षड्यंत्र साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया है? थलवई पुरम, तांबे की प्लेटों में, तीर मेरू शिलालेख में, कुडी मियलई शिलालेख में, कसा कुडी तांबे की प्लेट में, ये ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 27 का आंसर दोस्तों? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थलवई पुरम तांबे की प्लेट में दोस्तों द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किया गया, ठीक ना, भूमि माप का उल्लेख किया गया। देखते हैं दोस्तों 28 नंबर, 28 है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, असफ जाह, इस्माइल मुल्क, देवराय जमोरिन, इस देवराय, के ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 28 का आंसर? तो 28 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, ठीक ना, 1498 में जब वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था, ये भी याद रखिएगा। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? उसके प्रारंभिक समय में अबुल फजल, बैरम खां, तानसेन, टुडरमल, की ऑप्शन नहीं। 29 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों,
बैरम खाता, ठीक ना, बैरम खाता। अगला देखते हैं 30 नंबर दोस्तों। 30 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल यानी कब समाप्त हो गया था दोस्तों, 1498 में, 1526 में, 1565 में, 1600 में, क्या हो जाएगा बी का आंसर इसका, तब बी हो सही हो जाएगा, 1566 में दोस्तों समाप्त हो गया था, ठीक ना, पानीपत का युद्ध हुआ था। देखते हैं आंसर 31। 31 नंबर है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख के ओमजास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है। चेनाब, सिंधु, झेलम, सतलज की ऑप्शन नी, क्या हो जाएगा 31 का आंसर दोस्तों, 31 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सिंधु, सिंधु हो जाएगा, ठीक है। अगला देते हैं 32 नंबर। 32 नंबर है दोस्तों, विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है। तो किसका क्षेत्रफल अधिकतम है दोस्तों, ऑप्शन है बैकाल झील, टिटिकाका झील, चाड झील, कुगुआ झील के ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा 32 का आंसर दोस्तों। तो 32 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार बैकाल झील का क्षेत्रफल अधिकतम है, ठीक है। देखिए दोस्तों और याद रखिएगा, शुद्ध बैकाल झील कहाँ पड़ती है, तो ये रूस में पड़ती है। बैकाल झील कहाँ पड़ती है, रूस में। टिटिकाका झील अगर दोस्तों आपके पूछे दोस्तों कि टिटिकाका झील, तो ये दोस्तों पेरू और बोलिविया, पेरू और बोलिविया की सीमा पर पड़ता है टिटिकाका झील। और चाड झील दोस्तों, चाड झील नाइजीरिया में पड़ता है, ठीक है, नाइजर और चाड के सीमा पर। और निराकुगुआ झील दोस्तों, निराकुगुआ में ही पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, इधर दिया दोस्तों उद्योग, इधर दिया है केंद्र। चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं, 33 नंबर है, 33 नंबर है। तो देखिए दोस्तों एल्युमिनियम, एल्युमिनियम उद्योग का उत्पादन केंद्र कहाँ है दोस्तों सर्वाधिक, तो ये दोस्तों कोरबा में, ठीक है, कोरबा में है। तो चौथा सही हो जाएगा पहले का। अगला देते हैं सीमेंट, सीमेंट का कहाँ है दोस्तों, डालमिया नगर में, डालमिया नगर में। तो चौथा के बाद तीसरा हो जाएगा, चौथा के बाद तीसरा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स का दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में, ठीक है। तो 431 हो जाएगा, तो 431 बस ऑप्शन बी में है, उसके बाद दूसरा हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं दोस्तों 34 नंबर। 34 एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। चंबल झील, बनास, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, इंद्रावती, महानदी, बेल के ऑप्शन नहीं, क्या हो जाएगा दोस्तों 34 का आंसर। ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं, क्या है, सहायक नदियाँ। तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों, 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, बी, गोदावरी नदी की सहायक नदी भीमा है, ये सुमेलित है, ठीक है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 35। चीना कृषि मिलती है, चीना कृषि कहाँ मिलती है, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, फिलीपींस में, कि ऑप्शन नहीं। 35 का क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीलंका में मिलती है। चीना कृषि कहाँ मिलती है, श्रीलंका में मिलती है, ठीक है। 36 देख लेते हैं, 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है। समताप मंडल का कौन भाग नहीं है, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल, की ऑप्शन नहीं। 36 का क्या हो जाएगा आंसर, 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ताप मंडल, ताप मंडल दोस्तों ये समताप मंडल का भाग नहीं है। देखते हैं 37 नंबर कि चंदाका वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, की ऑप्शन नहीं। 37 का क्या हो जाएगा आंसर, 37 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा दोस्तों, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये चंडाका, बता दे रहा हूँ, चंडाका वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये कटक में पड़ता है, कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है, तो कटक में पड़ता है, याद रखिएगा। 38 देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठंडी धारा कौन नहीं है, लेबराडोर, कनारी, फाकलैंड, गल्फ स्ट्रीम, की ऑप्शन नहीं, क्या हो जाएगा 38 का आंसर दोस्तों। 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम दोस्तों ये ठंडी धारा नहीं है, ये गर्म धारा है, ठीक है। अगला देखते हैं 39 नंबर है कि कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, हवांग हो, हील, नील, इरावती, मिसिसिपी, की ऑप्शन है। 39 का क्या हो गया आंसर, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, नील, नील दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक ना। 40 देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन रह गया दोस्तों, लास्ट ऑफ वीडियो में बने रहिए। 40 सेकंड, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है, धारवाड़ तंत्र, गोडवाना तंत्र, कुंडप्पा तंत्र, विंध्य तंत्र, की ऑप्शन है। 40 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, गोडवाना तंत्र, गोडवाना तंत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला देते हैं 41 नंबर, 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी
ओजोन पर क्षण के लिए प्रमुखतः जिम्मेदार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि ओजोन पर क्षण के लिए कौन जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन गैस, मीथेन की ऑप्शन नहीं, क्या हो जाएगा 41 का आंसर दोस्तों, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना, बी सही हो जाएगा दोस्तों, क्लोरीन हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 42 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्षा वन बायोम की विशेषता व्यक्त करता है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए थोड़ा वीडियो को रोककर, क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 42 का आंसर, तो 42 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वनस्पति समुदाय में चार ऊर्ध स्तर, प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी और भूमि परतें होती हैं, ठीक ना, तो कौन सा बायोम की विशेषता बताता है, तो ये बायोम की विशेषता बताता है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 43 देखते हैं कि चीनू का क्या है, बताओ चीनू का क्या है, स्थानीय हवा है, सनातनी हवा है, अस्थाई हवा है, महासागरीय धारा है, कि ऑप्शन ई, क्या हो जाएगा 43 का आंसर, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय हवा है। चीनू क्या है, यह एक स्थानीय हवा है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 42 44 को सूची एक को सूची दो से मैच करना है दोस्तों, इधर दिया है दोस्त देश, इधर दिया है देश, तेल का क्षेत्र, तेल का क्षेत्र, चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं हम लोग, तो देखिए दोस्तों ईरान, ईरान की बात करते हैं दोस्तों, तो ईरान का तेल का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों ईरान का, तो ये है दोस्तों मस्जिद सुलेमान है, मस्जिद सुलेमान, तो पहले का चार हो जाएगा, पहले का चार हो जाएगा। इराक का क्या है दोस्तों, तो इराक का किरकुक है, इराक का क्या है, किरकुक है, तेल तेल क्षेत्र किरकुक है, तो चार के बाद तीन हो जाएगा, तो चार के बाद तीन, और उसके बाद कुवैत, कुवैत की बात करते हैं दोस्तों, तो कुवैत का दोस्तों ये है बरगन, तो चार तीन एक हो जाएगा, उसके बाद सऊदी अरब का हो जाएगा दमाम, ठीक ना, चार तीन एक दो हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा डी, ठीक ना। 45 देख लेते हैं, 45 है दोस्तों कि सारगेसो सागर प्रख्यात है, सारगेसो सागर किसके लिए प्रख्यात है दोस्तों, ऑप्शन है अत्यधिक निम्न तापमान वायु हेतु, हेतु अधिक गहराई हेतु, समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु, कि उष्ण महासागरीय धाराओं हेतु, कि ऑप्शन नहीं। 45 का क्या हो गया आंसर, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु सारगेसो प्रख्यात है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों 46 नंबर, 46 एक निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, नंदनकानन को पश्चिमी बंगाल में, सुंदरवन को असम में, काजीरंगा को भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर में, कि ऑप्शन ई, क्या हो जाएगा 46 का आंसर, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को दोस्तों वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। 47 देख लेते हैं, तीन क्वेश्चन रह गया और, ठीक ना, कि बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है, एल्युमिनियम की, कैल्शियम की, लोह की, सिलिकॉन की, क्या ऑप्शन है, क्या हो जाएगा 47 का आंसर, तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सिलिकॉन की, सिलिकॉन की मात्रा सर्वाधिक होती है। 48 देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुदुम्बश्री मिशन शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है, तमिलनाडु ने, तो कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने, क्या ऑप्शन है, क्या हो जाएगा 48 का आंसर, 48 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, केरल ने दोस्तों शुरू किया। 49 देख लेते हैं दोस्तों, 49 है कि निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो उच्चतम है, पछाब में का, कपासी वर्षी में का, गलनशील हिम का, बालू का, क्या ऑप्शन है, 49 का क्या होगा आंसर, 49 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, कपास वर्षी में का दोस्तों एल्बिडो उच्चतम है, 49 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि डोनवास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र कहाँ स्थित है, कोयल काला सागर और एजो सागर के उत्तर में, कैस्पियन सागर के उत्तर में, फिनलैंड की खाड़ी के पूर्व में, श्वेत सागर के दक्षिण और कैनिन पेनिनसुला के दक्षिण पश्चिम में, क्या ऑप्शन है, 50 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 50 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, काला सागर एवं एजो सागर के उत्तर में दोस्तों डोनवास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र स्थित है, ठीक ना, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना स्कोर भी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।